जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ पुलिस और जनपदीय साइबर सेल टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो फर्जी ग्राहक सेवा केंद्र से लेकर AEPS के माध्यम से लोगों के अंगूठे का क्लोन बनाकर बैंक खातों से नकदी उड़ा लिया करता था। पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3100 रुपये, 35 रबड़ अंगूठे क्लोन, 3 मोबाइल, 3 फर्जी आधार कार्ड आदि सामान बरामद किया है। ये गिरोह उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में सक्रिय था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद हापुड़ में साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एक मुकदमा अपराध संख्या 96/23 थाना बहादुरगढ़ में दर्ज हुआ, जो धारा 420 और 66C IT Act से रिलेटेड था। ये मामला AEPS का था, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का, जिसमें धोखेधड़ी से वादी के अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए थे। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल और बहादुरगढ़ की ज्वाइंट टीम ने दो शातिर अभियुक्तों को, जिनका नाम शमीम और शिवा है, दिल्ली के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 3100 रुपये नकद, 35 रबड़ अंगूठे के क्लोन, 3 मोबाइल फोन और 3 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट से इन्होंने अंगूठे के निशान के डाटा डाउनलोड कर रखा था, जिसको इन्होंने लैपटॉप की मदद से बटर पेपर और डबल टैपिंग और फोटो पॉलीमर जेल आदि के उपयोग से ये एक नकली अंगूठे का क्लोन तैयार कर लिया करते थे। फिर उसे जनसेवा केंद्र में फर्जी KYC कराकर एक्टिवेट करा लिया करते थे और इस मेथड से इन्होंने कई लोगों के साथ ठगी की हुई है और लाखों का आर्थिक लाभ कमाया हुआ है। इनको गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ की जा रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है और इनके दो साथी जो फरार हैं उनको भी ढूंढने के लिए टीम गठित है और लगातार प्रयास जारी है। पुलिस ने बताया कि थाना बहादुरगढ़ पुलिस पर दर्ज एक साइबर ठगी के मुकदमे के सिलसिले में थाना बहादुरगढ़ पुलिस और साइबर सेल टीम संयुक्त रूप से बदमाशों की खोज कर रही थी कि गांव देहरा रामपुर तिराहा के पास से दो बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए बदमाश थाना बेगमपुर दिल्ली के सुखबीर नगर का शमीम अंसारी और शिवा उर्फ टीटू है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के हवाले से बताया कि उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की सरकारी वेबसाइट से पिछले साल रजिस्ट्री विवरण, क्रय विक्रय पत्र हापुड़ और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों का डेटा लैपटॉप में डाउनलोड कर लिया था। रजिस्ट्री में से अंगूठा निशान को लैपटॉप की मदद से एडिट कर बटर पेपर पर प्रिंट आउट लेकर कांच की शीट पर रख कर उसके ऊपर सादी पिन्नी लगाकर चारों तरफ डबल टेपिंग करने के बाद फोटो पॉलीमर जेल डालकर उसके ऊपर दूसरी कांच की शीट क्लिप से टाइट कर देते हैं, फिर पॉलिश टेम्पर मशीन में रख कर थोड़ी देर बाहर रख देते हैं। करीब 1 घंटे बाद दोनों कांच के बीच से पॉलीमर को निकालकर जितने हिस्से पर अंगूठे का निशान आता है उस हिस्से की कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार अंगूठे का क्लोन बनकर तैयार हो जाता है। फर्जी जनसेवा केंद्र भोले भाले लोगों के नाम से ऑनलाइन KYC कराकर एक्टिवेट करा लेते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य साधनों से भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके खाते से धनराशि ट्रांसफ़र करा लेते हैं। पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों के कब्जे से 3100 रुपये, 35 रबड़ अंगूठे क्लोन, 3 मोबाइल, 3 फर्जी आधार कार्ड आदि सामान बरामद किया है। यह गिरोह उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में सक्रिय था। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।